वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम क्रास टेप बनाना सीखेंगे कि हम अपने लिए क्रास टेप कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी। सो क्रास टेप का मतलब यह है कि लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जो मेल और फीमेल है उसमें लेट्स सपोज बीमारी जो कैटेगरीज हैं वो किस किस के ज़्यादा है किसके कम है, तो हम इस तरह की क्रास टेप बना सकते हैं। ठीक है, हम ये देखना चाहें कि मेल कितने ओवरवेट है, फीमेल कितनी ओवरवेट है, तो हम इस तरह हम जीपीए के साथ क्रास टेप बना सकते हैं। तो मोस्टली क्रास टेप हम दो उसकी बनाते हैं, दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के दरमियान बनाते हैं। तो क्रास टेप बनाने के लिए आपने करना क्या है, आप यहाँ एनालाइज पे जाएंगे, आपके साथ यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स है इसमें जाएंगे, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है क्रास टेप। ठीक है जी, आप क्रास टेप पे क्लिक करेंगे। अभी आपको बताया जाए, ये आपके पास विंडो खुली है, आप किस चीज का क्रास टेप बनाना चाहते हैं और किस चीज को आप रो में लिखेंगे, किस चीज को आप कॉलम में रखेंगे, ये होली सोली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे रोज में जो है मैं जेंडर रख दूं और मेरे कॉलम में बीमारी रख दूं। ठीक है, याद रखिए जेंडर में कौन सा वेरिएबल है, कैटेगोरिकल, और बीमारी का मैंने कौन सा वेरिएबल लिया, कैटेगोरिकल का। ठीक है, तो बीमारी को मैंने लिया और मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया, तो ये जेंडर है, ये बीमारी है, मैंने सिर्फ सिंपली इसको लिया, मैंने यहाँ पर किसी चीज को अभी नहीं छेड़ा, मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पर ये आउटपुट व्यूअर आया और ये मेरे पास आए कि जी मेल में अंडरवेट 0 है, ओवरवेट 4 है, ये ओवरवेट मेरे पास 2 आ रहा है, इट मींस कि मैंने डेटा एंट्री में कहीं गलती की है। ठीक है, एक नॉर्मल है और एक ओवरवेट है, लेकिन इसमें मुझसे कहीं गलती हुई है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पर गलती अगर फॉर एग्जाम्पल बीच में आते आपको कोई हो जाती है तो आप इसको सही कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, ये डेटा व्यू था, इसमें मैं वेरिएबल व्यू में आता हूँ, यहाँ से अपना जो वो है उसको चेक करता हूँ, देखिए 2 मेरा नॉर्मल होना चाहिए था, मैंने गलती से इसको वो किया हुआ है, ओवरवेट किया था, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, चेंज और ओके, अभी मेरे पास रिजल्ट सही आएंगे। ये गलती हो जाती है, ठीक है, डेटा जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आपसे गलती हो सकती है। एनालाइज में जाए, अगेन डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, क्रास टेप में अगेन वो जेंडर और बीमारी ऑलरेडी सेलेक्टेड है और उसको ओके करें। अभी इसको देखें, हमारे पास मेल अंडरवेट 0 है, नॉर्मल 4 है, ओवरवेट 1 है, ओबीस 2 है, फीमेल में हमारे पास जो है वो 1 अंडरवेट है, नॉर्मल 0 है, ओवरवेट 2 है एंड ओबीस 0 है। क्योंकि एक डमी डेटा है, मैंने वैसे ही डाला है, उसे 10 बंदों का डेटा है, दैट्स व्हाई ये बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन जब आपके पास डेटा ज्यादा होगा, 100 बंदों का, 200 का, आपके पास ये काफी अच्छा खासा हेवी पेयर आपको नजर आएगा। अब इसमें मसला ये है कि आपको फ्रिक्वेंसी तो नजर आ रही है लेकिन परसेंटेज नहीं है, ज्यादा मजा नहीं आ रहा है, हमें पता नहीं चल रहा कि कितने लोग नॉर्मल हैं कितने नहीं हैं। अगर हम चाहते हैं कि इसमें फ्रीक्वेंसी भी डाल ले तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम जाएंगे एनालाइज पे, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पर लिखा है क्रास टेप, क्रास टेप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखा है सेल्स, नजर आ रहा है एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक्स, उसके बाद है सेल्स, इस सेल्स पे जब आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर लिखे परसेंटेजेस, आप रो में परसेंटेजेस चाहते हैं, कॉलम में चाहते हैं या टोटल चाहते हैं, आप तीनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप एक को भी सिलेक्ट करते हैं। मोस्टली रो जो है, रो का मतलब यह है कि आप इस सीक्वेंस में, रो के सीक्वेंस में 100 को पूरा करें, तो मैंने रो को सिलेक्ट किया, कंटिन्यू और ओके। अभी देखिए वही टेबल है लेकिन थोड़ा सा इसमें परसेंटेजेस हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास मेल है, अंडरवेट 0 है, 4 जो है वो बंदे नॉर्मल है और उसकी परसेंटेज कितनी बन रही है, 57.1, और 1 जो है ओवरवेट है उसकी परसेंटेज इतनी बन रही है, और इन्होंने 100 जो है इस सीक्वेंस में पूरा किया है, रो के सीक्वेंस में इन्होंने 100 को पूरा किया है, तो ये हमारे पास क्रास टेब है विद परसेंटेजेस। ठीक है जी, इवन आप कॉलम में परसेंटेजेस डाल सकते हैं कि आपके पास इस तरह हो, आप टोटल की परसेंटेजेस भी डाल सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर, वैसे मुझे जो ज्यादा पर्सनली अच्छा लगता है अट्रैक्टिव, हम रोज ही में लगते हैं क्योंकि इसको समझना आसान होता है, लेकिन अगर आप ऐसे कुछ चाहता है कि मैं कॉलम में भी रखूँ तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। आप यहाँ से जाएं, आप यहाँ पर सेल्स में परसेंटेजेस के साथ कॉलम को भी क्लिक करें, कंटिन्यू और ओके। अभी ये आपके पास दो किस्म की परसेंटेजेस आ रही है, ये ऊपर जो है ये रो की परसेंटेज है ये वाली, ठीक है, और ये जो नीचे है ये आपकी वो वाली है जो कॉलम वाली है, तो आप कॉलम में भी परसेंटेजेस निकाल सकते हैं और आप रो भी निकाल सकते हैं, लेकिन रो में ज्यादा अच्छा होता है जो उसको समझना आसान होता है। सो अभी इसमें ये ऊपर की लाइन है ये आपको पूरा कर रहा है 100 रो के हिसाब से, जो नीचे वाला कॉलम है वो आपको 100% पूरा कर रहा है किसमें, कॉलम के हिसाब से, तो ये आपकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह करते हैं। लेट सपोज मैंने ये टेबल जो है मैंने क्रास टेप बनाया और मैं चाहता हूँ कि इस क्रास टेप को मैं वर्ड फाइल में लेकर जाऊं, तो बिल्कुल आप लेकर जा सकते हैं, आप यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे राइट, यहाँ पर लिखे कॉपी, इसको कॉपी करें,
कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर वर्ड फाइल में जाएं। इससे पहले हमने इसको किया था, चले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस वी कर लूँ, या आप यहाँ से इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, जिस तरह आपको आसान हो आप पेस्ट करें, वही टेबल आपके पास यहाँ आ जाएगा। अगर ये देखिए, ये टेबल जो है ये स्पीसीज का टेबल है, ये बड़े मजा का नहीं है, थोड़ा सा ज्यादा कंजेस्टेड है, हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई करने का तरीका, ये इसमें भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इवन आप यहाँ से वर्ड में अपने लिए भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं ये इन्फॉर्मेशन डाल के। लेकिन लेट सपोज मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो अभी ये जो है इन्फॉर्मेशन ये बहुत बुरी सी लग रही है, मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने सबको यहाँ पर मैंने क्या किया, आप इसको देखते जाएं, ये जो यहाँ निशान लगे मैंने इससे पूरे टेबल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर लिखा टेबल, ठीक है, सो या सॉरी यहाँ पर जाए डिजाइन और लेआउट, मैं डिजाइन में गया, मैंने इसको इस तरह किया, ठीक है। अभी अगर आप देखें तो मैं इससे इसको डिलीट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इस ऊपर वाले कॉलम जो जो रो है इसको डिलीट करूँ, क्योंकि इस पीसेस का वो है तो ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको अपना वो देना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप इस पर लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक करें और यहाँ पर लिखे डिलीट रो, तो ये ऊपर वाली रो हट गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज को भी हटा दूं। इसको हटाने के लिए तरीका ये है कि आपने पहले इसका कॉलम बनाना है। अगर आप इसको यहाँ से सेलेक्ट करें और इसको डिलीट करें तो आपका पूरा जो है वो टेबल का जो वो है शक्ल है वो खराब हो जाएगी ना, ठीक है। अगर आप डिलीट एंटायर कॉलम को करेंगे ना तो आपका टेबल बिल्कुल उलट पलट गया होगा, तो आपने इस तरह नहीं करना। आपने क्या, अगर आप इस कॉलम को हटाना चाहते हैं उसके लिए आपका तरीका ये है, आपने यहाँ पर राइट क्लिक किया, आपने यहाँ पर लिखा है जी स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब है कि सेल्स को स्प्लिट किया जाए, ये एक सेल है इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ओके। आपको कितने कॉलम चाहिए, मुझे दो कॉलम चाहिए, ओके करें, और ये जो आपके पास लाइन नजर आ रही है आप इसको इसके साथ बराबर करें, ठीक है, इसके साथ बराबर करें। यहां से इसको अभी सेलेक्ट करें और डिलीट कॉलम डाल दें, ठीक है। सो अभी आपके पास अगर चाहिए भी इसकी शक्ल ज्यादा अच्छी नहीं है, इसको हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पर है आउट ऑफ फिट टू विंडो, तो ये इस तरह हो जाएगी। ये अभी भी थोड़ा सा ज्यादा मजे का नहीं है, मैं इसको बराबर कर सकता हूँ, ठीक है। याद रखे मैं खुद जब करता हूँ तो मैं खुद अपने लिए टेबल जो है वर्ड फाइल में वो करता हूँ, ड्रा करता हूँ, उसका भी तरीका मैं आपको सिखा दूंगा। रीजन इसके स्पीसीज के टेबल्स के साथ जो है खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है और ये थोड़े से ट्रिकी से होते हैं, वैसे ही थोड़े से आप इसको कुछ भी ना दें, अभी भी इसका ज्यादा मजा नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप और क्या कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से इसको जो है मर्ज सेल्स करें, और आपके साथ मैंने क्या किया, मैं इसको रिपीट कर दूँ, मैंने दो रोज को सेलेक्ट किया, मैंने इसको मर्ज किया और मुझे बताया जा रहा है कि ये आपका वो है 0.0%। मैंने यहाँ पर इसको इस तरह लिखा, ठीक है जी। इसी तरह मैं इसको मैं थोड़ा सा मजे वाले बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप स्पीसीज के टेबल ज्यादा मजे के नहीं होते, तो अगर आप इसको चाहते कि आपकी जो थीसिस है आपका जो आर्टिकल है उसकी लुक अच्छी हो, तो उसके लिए आप जो परसेंटेजेस हैं उनको एक साथ में लिखें तो उनका मजा थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। आप इसको इसी तरह ये जितने भी आपके पास वो है आपके रोज हैं उनको आप यहाँ से इसी तरह चेंज कर सकते हैं, और इससे होगा क्या, इससे आपका इससे आपकी जो लुक है तीस आपकी टेबल की अच्छी लगेगी। टाइम बचाने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया है, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, ठीक है। सो आप इसी तरह इसको मर्ज करते जाएं और एक दूसरे के साथ, अब ये रह गए हैं तो इसको भी मर्ज कर लें, ठीक है, इससे इसका थोड़ा सा वो लुक अच्छा हो जाता है, ठीक है। अब ये क्यों नहीं आ रहा, इसके टेबल को देखिए, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन थी लेकिन वो हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही, ये है 1.10.00, मुझे पता नहीं कि वो क्यों हमने जो है वो हमसे डिलीट हो गई है। तो आप इसके साथ यहाँ लिख सकते हैं 1, ठीक है, 1.0, ओके 10.0 है ना परसेंट। ये मैंने यहाँ ये जो टेबल है ना इस पीसेस का टेबल, इसमें यहाँ पर मैंने यहाँ से लिया ना, क्योंकि वहां से वो डिलीट हो गया था गलती से। सो आप इसको यहाँ पर पूरा करें, आप उसको वहां पर कंपेयर कर सकते हैं। अभी आप ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है, इवन इसके साथ इसको भी यहाँ करें, ये 100% है, ठीक है, चूंकि हमें पता चल गया तो इस 100 का आप इसको 100% को लिख भी सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, आप इसे यहाँ पर लिखें या बिल्कुल हटा दें भी सही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कॉलम में कर रहा है तो ज्यादा जो है वो इसको ओवर जो है आप क्राउडेड करें तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता, तो ये आप 100% करें।
इस 10 क्योंकि 10 टोटल बंदे हैं, तो मेरे ख्याल में इस 100 का कम से कम कोई जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। अभी अगर आप इसकी राइटिंग को चेंज करना चाहें, लेट सपोज आप इसको टाइम न्यू रोमन में करना चाहते हैं या किसी और में, तो आप यहाँ से टाइम न्यू रोमन में करें। आप चाहते हैं कि इसको 12 करें, 13 करें, जो भी करना है, लेट सपोज मैं इसको 11 करता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल लेआउट चेंज करना चाहे, तो आप यहाँ से लेआउट कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि सारे के सारे सेंटर में आ जाए, तो आप इसको यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी एक्चुअली इसकी लुक अच्छी है, मैं इसको आप इस टेबल के साथ इसको कंपेयर करिए, ये यही टेबल है जिसको अभी मैंने थोड़ी सी मेहनत करके बनाया है। सॉरी मैं ये सो आ गया, मैं इसको कॉपी करता हूँ, ये वाले जो टेबल है जो हम यहाँ लेकर आए थे इनिशियल, इसको देखें और इसको देखें। सो दो ये एक ही टेबल है, एक ही कंटेंट्स हैं, लेकिन ये बहुत ओवर क्राउडेड नजर आ रहे हैं। जब रीडर्स को पढ़ेंगे तो मजा नहीं आएगा, जब इस तरह के टेबल को पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो इस तरह हम अपने लिए क्रॉस टेब बना सकते हैं, और ये क्रॉस टेब बनाने का तरीका है। इसी तरह आप किसी भी दो कैटेगोरी को लेबल के दरमियान क्रॉस टेब बना सकते हैं। अभी हमने जो बनाया था, हमने जेंडर और बीमारी जो कैटेगरी थे उनके दरमियान बनाया था, हम इसी तरह और के बाद भी बनाते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में हम जाते हैं, इसके बाद क्रॉस टेब में आते हैं। क्रॉस टेब में हमने जेंडर का बीमारी कैटेगरी का बनाया था। लेट सपोज हम जेंडर बीमारी कैटेगरी, हम जेंडर का उसके साथ एज कैटेगरीज के साथ भी बना लेते हैं, ठीक है। हम उसका CGPA के साथ भी बना लेते हैं, हम निक पेन के साथ भी बना लेते हैं, लेकिन याद रखिए किसके साथ हमने बनाना है क्रॉस टेप, कैटेगोरिकल डेटा के साथ, ठीक है जी। सो जितने भी हमारे कैटेगोरिकल डेटा है हमने यहाँ पर डाल लिया, हमने ओके। अभी मैं स्टेटिस्टिक्स वगैरह नहीं डाला, अब हमें सिर्फ सेल में सिर्फ फ्रिक्वेंसी रखी है, ओके, सॉरी परसेंटेजेस रखे हैं, और वो भी रो के लिए। अभी हम आगे आएंगे कि स्टेटिस्टिक्स में हम फिर इस पे कोई अगर स्टेटिस्टिकल टेस्ट अप्लाई करना चाहें तो किस तरह कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पे ओके क्लिक करें, ये आपके पास अभी आ गया है जी, जेंडर का बीमारी के साथ, जेंडर का एज कैटेगरी के साथ, जेंडर का CGPA के साथ, जेंडर का निक पेन के साथ, और हर एक टेबल को आप उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं जिस तरह हमने बीमारी वाला किया है, ठीक है। इस लुक में आप इसको लेकर आ सकते हैं, ओके। इसी तरह आप इवन जेंडर का हमने यहाँ निक पेन के साथ किया, आप निक पेन का उसके साथ कर सकते हैं बीमारी का। लेट सपोज आप चाहते हैं कि निक पेन का बीमारी के साथ आप बनाएं, बिल्कुल आप बना सकते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ से गया, यहाँ पर आया क्रॉस टेप, मैंने सबको सेलेक्ट किया, ठीक है, सॉरी इसको मैंने यहाँ लेकर आया। मैं चाहता हूँ कि मैं निक पेन देखूं कि जो है किस उसमें ज्यादा वो है, लेकिन कैटेगोरिकल, ठीक है। मैं यहाँ क्रॉस टेब है, कैटेगोरिकल डेटा के लिए होता है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अभी आपके पास निक पेन, ये हमारे पास निक पेन है और यहाँ बीमारी है, इनके दरमियान हमारे पास एक क्रॉस टेब आ गया। अगेन इस क्रॉस टेब को आप उसी तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट क्रॉस टेब। आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम क्रॉस टेब अगर दो कैटेगोरिकल डेटा है तो उस पर हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पे काई स्क्वेयर टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे।